महेश बेटा, देखना मेहमानों को मेरी कुल्फी पसंद आएगी। अबूजी, देखना इनको ये मेरी चॉकलेट आइसक्रीम ही पसंद आएगी। हिम क्रीम। रानी जरा मुझसे ये हिम क्रीम को देखकर डुबा डुबा थी। चलो है चलकर खाते हिम क्रीम। मगर है क्या इसके साथ जो दिख रहा है बड़ा स्वादिष्ट और मजेदार भी। अरे होगा जरूर, ये भी कोई स्वादिष्ट व्यंजन हिम क्रीम की तरह ही हो रहा है। मेरा मन बड़ा ही इन दोनों स्वादिष्ट व्यंजन को चखने का अभी। रुको अपने आप को डुबा डुबा एक रुको। हाँ वरना हुई कोई गड़बड़ तो नहीं लगाएंगे रानी परी हिम क्रीम का झटका नए परिलोक में। महेश, इस कुल्फी के ऊपर जब मैं रबड़ी डालूंगा ना तो मेहमान उंगली चाटते रह जाएंगे। नहीं चाटेंगे, क्योंकि बाबूजी कुल्फी जो है वो उंगली से नहीं खाई जाती, वो चम्मच से खाई जाती है। लेकिन बाबूजी एक बात है कि मेरी ये जो चॉकलेट आइसक्रीम है उसके ऊपर मैं जो एक्स्ट्रा चॉकलेट सिरप डालूंगा ना, उसके बाद देखना सारे मेहमान अपना हाथ चाटने लगेंगे। ऐसा देखते हैं देखते हैं। अरे खा नहीं सकते तो हुआ क्या, देख तो सकते। अरे देखो देखो डुबा डुबा तीन है दिख रही कितनी सुंदर स्वादिष्ट और ठंडी ठंडी हिम क्रीम। रुको अपने आप को डुबा डुबे रुको। अरे कैसे रुको डुबा डुबा तीन, रोक नहीं पा रहा मैं अपने आप को। मैं भी डुबा डुबा एक। रबड़ी डालूंगा तो मजा आ जाएगा। वाह भाई वाह, सारी कुल्फी खत्म। ये गड़बड़ जरूर महेश ने की होगी, मैं उसको बता देता हूं कि मैं भी उसका बाप हूं। यस। बेटा अब देखता हूं कि मेहमान ये आइसक्रीम खा के तेरी तारीफ करते हैं या तुझे डांटते हैं। अब क्या करें डुबड़ एक, ये हिम क्रीम तो हो गई तीखी, खाली अगर परियों ने तीखी हिम क्रीम तो हो जाएगी गड़बड़। होगा बताना हमें परियों को। मैंने कपड़ बातें रो चुप तुम बताओगे ना तुम परियों को। देखो है खाई हमने चोरी छुपे हिम क्रीम, जान गई अगर ये बात परिया तो बनाएगी नहीं कभी हिम क्रीम का झरना नए परिलोक में। समझो पता नहीं रोक क्यों नहीं पाते हम अपने हाथों को हिम क्रीम को देखकर, ना खाते हम हिम क्रीम और ना होती है गड़बड़। पर तो इतने बड़े विस्फोट की आवाज आई थी लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई विस्फोट हुआ है। बालवी, बालमित्र, ये जमीन पे क्या बिखरा हुआ है? हाँ ऐसी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। क्या है ये? अरे जो कुछ भी हो हमने तो अपने अदृश्य दुश्मन का समाप्त कर ही दिया है। नहीं बाल सखी बाल मित्र, हमें इतनी जल्दी नहीं मान लेना चाहिए कि हम जीत गए।
क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा अदृश्य दुश्मन कौन है और इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस चीज के बारे में रानी परी को बताना होगा और जल्द से जल्द ये भी पता करना होगा कि कौन सी बुरी चीज है और यहाँ कैसे आए। बाल मित्र, बालवीर बिल्कुल सही कह रहा है। इससे पहले कि हम इस बुरी शक्ति के बारे में अच्छी तरह से नहीं जान ले, तब तक हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम जीत गए। चलो। वाह बालवीर, तुमने तो वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। तुम तो सचमुच प्रचंडिका के दिमाग के आगे एक बच्चे ही हो जिसके साथ मैं खिलौने की तरह खेलूंगी और अपनी बहन बालवीर का बदला लूंगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि खतरा होता क्या है। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। सबके लिए ठंडी ठंडी चॉकलेट आइसक्रीम। अरे वाह, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम, क्या बात है। अरे लीजिए लीजिए, ये लीजिए। अरे बच्चों, क्या बात है, आप आइसक्रीम क्यों नहीं ले रहे। हमें पता है कि आप दोनों ने बिल्कुल भी शरारत नहीं किया, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी आइसक्रीम खाएं। अरे आइए बच्चों, यहाँ आइए। अरे लीजिए, शर्माइए मत, लीजिए। नहीं नहीं, आप खाइए, हमें नहीं चाहिए आइसक्रीम, है ना बच्चों। हमने आपसे कहा ना आइसक्रीम खाइए। हाँ, आपको खाना ही होगा, ये लीजिए खाइए। आप अपनी आइसक्रीम इन बच्चों को क्यों दे रहे हो, उनके लिए अलग से आइसक्रीम है ना। वो क्या है ना, इनको हमसे ज्यादा आइसक्रीम पसंद है, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले ये पेट भर के आइसक्रीम खा ले। खाइए खाइए। बच्चों, हमने कहा ना आपसे आइसक्रीम खाइए। जी खाओ खाओ। देखिए कैसे आइसक्रीम मिलते ही इनकी आंखों से खुशी के आंसू आने लग गए। हाँ काजी भाई, इनके चेहरे की खुशी देखकर हमारा पेट भी भर गया। हाँ, इसलिए आप आराम से ये सारी आइसक्रीम खा लीजिए, बल्कि हमारी भी आइसक्रीम खा लीजिए। महेश बेटा, तूने आइसक्रीम में चॉकलेट सिरप डाला था या मिर्ची का सिरप?
यानी गलती से अगर गिर गया होगा तो बाबूजी मैंने तो ब्रेकिंग न्यूज बच्चों के रक्षक ही बन चुके हैं क्या हमारे बच्चों के लिए एक बड़ा खतरा कौन से देखिए इस वीडियो को कैसे बालवीर बाल सखी और बाल मित्र अपनी जादुई शक्तियों का गलत फायदा उठा रहे हैं एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं इन तीनों सुपर हीरोज के सामने कोई भी खतरा नहीं है लेकिन शायद सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए इन्होंने इतने सारे लोगों को मुसीबत में डाला है हमें तो विश्वास नहीं हो रहा कि बालवीर नहीं बालवीर ऐसा नहीं कर सकता हम तो सोच भी नहीं सकते कि बालवीर बाल सखी और बाल मित्र ऐसे लोगों की जान को खतरे में भी डाल सकते ताजा जानकारी के हिसाब से अभी तक इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं पर दोबारा सुपर हीरोज का ऐसा हमला किसी भी आम इंसान की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है दोस्तों आज हमें ये एहसास होता है कि हम आम इंसान की जिंदगी इन सुपर हीरोज के सामने कितनी असहाय है और हमें इनसे कितना खतरा हो सकता है फिर से देखिए इस वीडियो को कि बालवीर बाल सखी और बाल मित्र ऐसा कर सकते हैं लेकिन हमें जो सामने दिख रहा है उसे हम झूठ तो नहीं मान सकते ना देखिए सच और झूठ का बहुत जल्द पता चल जाएगा लेकिन अगर इन तीनों ने ऐसा कुछ किया है तो इसका जवाब तो उन्हें देना ही होगा रोहित अब देख मैं मोनिका को कैसे इम्प्रेस करता हूँ तो बस मनीष फैन लेके गया तो अब क्या आप एसी लेकर जाओगे अरे बेवकूफ मैंने इंटरनेट पे एक आर्टिकल में पढ़ा था कि अगर लड़की को इम्प्रेस करना होगा ना
तो उसके हाँ में हाँ मिलानी चाहिए, इससे उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। लेकिन मोंटू बॉस चुप कर। अजय परियों, दादाजी देखो मेरे कहने का मतलब है परियों जैसे दिखने वाले मेरे मेहमान अब महेश घर में है नहीं और मैं बाजार जा रहा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो आप लोग मुझे फोन कर देना। जी दादाजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाल परी, आप तुरंत बालवीर को यहाँ बुलाइए, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। जी रानी परी। खुश रहो रानी परी, खुश रहो, खुश रहो परियो, खुश रहो। बालवीर, बालवीर हम खुश कैसे रह सकते हैं जब हमारे सच्चाई और अच्छाई के रक्षक बिना वजह निहत्ते और निर्दोष लोगों पर वार कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रही है रानी परी, हमने किसी निर्दोष पर वार नहीं किया। हाँ रानी परी, बल्कि हम तो यहाँ ये बताने आए थे कि जिस बच्चे को हम बचाने के लिए गए थे वो बच्चा वहाँ था ही नहीं। हाँ रानी परी, बल्कि वो एक चाल थी हमें वहाँ पर बुलाकर हम पर वार करने की। हमने वार जरूर किया था रानी परी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुद की रक्षा के लिए। क्या रानी परी, हो सकता है कि हमने जो कुछ भी देखा वो सब उसी चाल का हिस्सा हो जिसमें बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र को फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसा करके किसी को क्या हासिल होगा? बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र पर विश्वास कम होगा बच्चों का, और इन पर विश्वास घटने का मतलब है कि सच्चाई और अच्छाई पर भी विश्वास घटेगा। देखिए बालवीर, बालवीर हम आप पर संदेह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सब परियां अच्छी तरह से जानती हैं कि आप ऐसा कोई गलत कार्य करेंगे ही नहीं। बालवीर, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो कुछ हमने देखा अगर उसमें जरा सी भी सच्चाई हुई तो हमें ना चाहते हुए भी परिलोक के कानून का पालन करते हुए आप तीनों की सभी शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए वापस लेनी पड़ेगी। कितने आसानी से फंस गए तुम प्रचंडिका की चाल में बालवीर। देखा कैसे उनके सबसे अच्छे दोस्त से उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। मेरी बहन वायरस का बदला मैं तुम्हारे अस्तित्व को मिटा कर लूंगी। कितना अब तो ये बस शुरुआत है, अब तो तुम उलझे रहो अपने अदृश्य दुश्मन को तलाशने में। और मैं और मैं चलूंगी अपनी अगली चाल, क्योंकि प्रचंड विनाश